बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां चकबंदी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी चकबंदी, मशीन लर्निंग से लैस होगी चकबंदी प्रक्रिया, सीएम योगी के विजन से आधुनिक होगी प्रक्रिया, चकबंदी को आधुनिक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन कर रहा है काम, प्रदेश की भूमि समकेन प्रक्रिया होगी सरल, एआई बेस्ड एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लान सॉफ्टवेयर ईआरपी सॉफ्टवेयर किया जा रहा तैयार, सैटेलाइट इमेज रोवर सर्विस से संयुक्त होगा सॉफ्टवेयर, डीजीपीएस नाविक से लैस होगा सॉफ्टवेयर, ब्लॉकचेन डाटा एक्सेस से लैस होगा ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए एजेंसी नियुक्त होगी, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी नियुक्त होगी। चकबंदी पर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, चकबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ होगा चकबंदी का पैमाना, किस तरीके से ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है सरकार की तरफ से? जेपी, अगर इस पूरी रूपरेखा की बात करें तो अब तक जो चकबंदी की प्रक्रिया जटिल होती थी, अगर कोई लेखपाल या कोई अगर ऐसी सूचना आती थी वहां पर जांच करने जाता था तो ये सारी प्रक्रिया बहुत जटिल होती थी, और जब इंटेलिजेंस से ये पूरी प्रक्रिया जुटेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो चकबंदी की प्रक्रिया थी, यानी जब आप अपने किसी जमीन का पैमाना नपाने जाते थे या फिर उसके बाद जो कागजी दौड़ दुनिया भर की शुरू होती थी, वो सब कुछ अब आपके नेटवर्क पर होगा। और जो भी व्यक्ति, चूंकि अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने है। अब अगर आप देख ले तो तहसीलों में चकबंदी में लोग अपना वहां पर लाइन लगाते दिखाई देते हैं, भटकते हुए दिखाई देते हैं, और जब इस तरह की स्कीम लॉन्च होगी तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर चकबंदी के माध्यम से देखने को मिलेगी।